हाय दोस्तों, आज हम लोगों के पास है चार स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 फोन्स। चारों ही फ्लैगशिप फोन्स हैं। सबसे पहले अपना OnePlus 10 Pro, फिर आता है Samsung Galaxy S22, फिर है Realme GT 2 Pro और लास्ट बट नॉट द लीस्ट iQOO 9 Pro। और आज हम दोनों मिलके करने वाले हैं इन सारे फ्लैगशिप फोन्स का धमाकेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग परफॉर्मेंस पर भी नजर डालेंगे, चार्जिंग स्पीड्स भी कंपेयर करेंगे, पूरी टेस्टिंग इनकी आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो, सारे ही फोन्स 100% चार्ज्ड हैं, सारे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और सब में एयरप्लेन मोड भी ऑन है। सब मैक्स ब्राइटनेस पे सेट हो रखे हैं, ऑटो ब्राइटनेस सबकी ऑफ हो रखी है और बैकग्राउंड में जितने भी एप्स थे सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। सारे ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तो सारे ही फोन्स एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड हैं, सब 120 हर्ट्ज पे हैं। अब स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे सिर्फ गैलेक्सी S22 है जिसमें हमें फुल HD मिलती है, बाकी तीनों फोन्स में हमें QHD मिलती है, जो फुल HD और 4K के बीच में आप मान सकते हो। बाकी तीनों फोन पे QHD ही रखते हैं हम। आप मान लो कि अगर आप फुल HD करके चलाओगे सेम फोन्स को, तो थोड़ा 15-20 मिनट का आपको शायद स्क्रीन ऑन टाइम और मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने टेस्ट की ओर। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि सैमसंग जो है अपना, वो मैक्स ब्राइटनेस करके इसमें एक मोड आता है, उसको मैंने ऑन कर रखा है। तो एक चीज और बता देता हूँ कि सारे फोन्स को मैं खुद से ही मैन्युअली मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कर दूंगा, बोले तो 1080p पे। के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना S22 का डिस्प्ले है वो ऑल्दो एक FHD प्लस डिस्प्ले है, तब भी सारे फोन्स में से सबसे ज्यादा ब्राइट और सबसे ज्यादा तगड़े इसके व्यूइंग एंगल्स हैं। अगर इसको मैं ऊपर से भी दिखाऊं तो इसके आप व्यूइंग एंगल्स चेक कर सकते हो, बहुत ही तगड़े हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अपने GT 2 Pro की और OnePlus की, तो दोनों में ही काफ़ी पतले बेजल्स ऊपर और साइड में देखने को मिलते हैं। एक डिफरेंस बस इनमें ये है कि जो इनका साइड है, जो अपने OnePlus का साइड है, वो हल्का सा कर्व्ड है। तो ये अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको कर्व्ड डिज़ाइन पसंद है या फिर हल्का सा फ्लैट जो हमें Realme में देखने को मिलता है स्क्रीन के मामले में। इस कंपैरिजन में सबसे डिम फोन iQOO 9 Pro लगा अभी के लिए मेरे को। प्लस इसमें हल्का सा एक हमें ना स्क्रीन ब्लीडिंग इशू देखने को मिलता है, जो कर्व्ड फोन्स में बहुत ही कॉमन है। अभी हमने ब्राइटनेस मेजर करने के लिए लगाया है, तो जो स्क्रीन ब्लीडिंग इशू मैं बोल रहा था वो अब आपको थोड़ा सा हल्का सा बेटर मे बी नज़र आ रहा हो। मैं OnePlus Pro में 720 के आसपास की आ रही है, जो अपना S22 है उसमें 1000 प्लस क्रॉस कर जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले लग रहा है हमको। फिर आते हैं अपने GT 2 Pro में, जिसमें अराउंड 740-730 के अराउंड ही देखने को मिल रही है। और अपने iQOO 9 में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, काफ़ी डिम लग रहा है ये, इसमें 530-500 के अराउंड। यार साउंड के मामले में दोनों OnePlus और GT 2 Pro काफ़ी लाउड थे, Samsung S22 भी ठीक ठाक लाउड था, पर जो अपना iQOO 9 Pro है वो हल्का सा कम लाउड था। बट जो इसका बेस की क्वालिटी थी वो हल्की सी बेटर थी बाकी फोन के कंपैरिजन में, ऑल्दो बाकी सारे फोन्स ज़्यादा लाउड थे डेफिनेटली। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी, तो फिर आप देख सकते हो कि जो अपना S22 है वो 66% पे आ गया है। इसका छोटू सा डिस्प्ले है ऑल्दो इसमें, और बॉडी भी छोटी सी है, तो ऑफ कोर्स छोटी बैटरी तो बनती है। तो सीन आपको पता ही है, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बेंचमार्क्स रन, फर्स्ट राउंड ऑफ Geekbench, लेट्स गो। यहाँ पे सबसे तगड़ा सिंगल कोर में स्कोर किया है अपने GT 2 Pro ने, और उसके बाद मल्टी कोर स्कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास विनर है iQOO 9 Pro। ऑल्दो सिंगल कोर में भी काफ़ी ज़्यादा आसपास ही हैं,
और अगर हम बात करें वन प्लस 10 प्रो और S22 की, तो सिंगल कोर में यार ये काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। S22 दोनों में ही काफी ज्यादा फॉल अपार्ट कर जाता है बाकी सारे फोन से, और देखते हैं कि फोन में परफॉर्मेंस ड्रॉप आता है कि नहीं आता, और आता है तो कितना परफॉर्मेंस ड्रॉप आता है। राउंड के स्कोर्स भी आ चुके हैं और भाई अपना GT2 Pro सिंगल कोर में वापस से सबसे ऊपर आता है। और अगर यहाँ पे सिंगल कोर की बात करो तो ये अपना वन प्लस 10 प्रो काफी ज्यादा फॉल अपार्ट कर जाता है। मतलब अगर आप देखोगे बाकी फोन्स के स्कोर से तो ये ऑलमोस्ट हाफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं बाकी स्कोर्स के कंपैरिजन में। और मल्टी स्कोर में मतलब सरप्राइजिंगली ये सही परफॉर्म कर रहा है। अब ये चीज़ मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या सीन चल रहा है फ़ोन के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। प्लस अगर यहाँ पे हम S22 की बात करें तो इसने वापस मल्टी कोर में तो फाइट मार, सिंगल कोर में तो फाइट मार ली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है। अब एक बार ये हम लोग रन कर लेते हैं अपना Antutu भी और देख लेते हैं कि क्या सीन रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CPU हो, GPU हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो या फिर UX हो, iQOO 9 Pro ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। उसके बाद आता है हमारा GT2 Pro जो इससे मतलब इतना भी पीछे नहीं है। Samsung Galaxy S22 की तो ये बिल्कुल ही फॉल अपार्ट कर जाता है। एक बार ही वापस से रन कर लेते हैं हम लोग। Antutu का सेकंड राउंड खत्म हो गया है। iQOO 9 Pro ने स्क्रीन ब्राइटनेस अपनी काफ़ी डिप कर ली है जबकि हमने मैक्सिमम करी हुई है मैनुअल। वैसे स्कोर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है इसने सबसे ज़्यादा कर दिया है। Galaxy S22 में भी थोड़ी सी स्क्रीन ब्राइटनेस कम हुई है लेकिन उससे बड़ी बात है कि इसने परफॉर्मेंस अपनी पूरी थ्रॉटल करी हुई है। CPU GPU सारे स्कोर इसके ऑलमोस्ट आधे चल रहे हैं बाकी फोन से। OnePlus 10 Pro ने भी अपनी CPU परफॉर्मेंस काफी थ्रॉटल करी हुई है। Realme GT Pro ने सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रखी है, स्कोर भी कर रहा है 9 लाख के ऊपर और स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह भी बिल्कुल कम नहीं होने दी है। खैर चलते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की तरफ जहाँ पे 20 मिनट लगातार इन फोन्स पे स्ट्रेस डालेंगे। मिनट बाद ये है फोन्स का हाल। तो iQOO 9 Pro ने सबसे खराब यहाँ पे परफॉर्म किया है। इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी सबसे कम थी, एवरेज परफॉर्मेंस भी सबसे कम थी, थ्रॉटलिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। ग्राफ देख के आपको समझ रहा होगा इसकी हालत यहाँ पे अच्छी नहीं रही है। फिर आएगा OnePlus 10 Pro जिसने स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी रखी थी परफॉर्मेंस, उसके बाद वो काफी ज्यादा थ्रॉटल हो गया था। Galaxy S22 ने काफी जल्दी यहाँ पे थ्रॉटल कर ली थी परफॉर्मेंस लेकिन फिर उसके बाद इसने कंसिस्टेंसी रखी है 70% के आसपास। Realme GT2 Pro ने फिर से यहाँ पे सबसे अच्छा काम किया है, ड्रॉप इसमें सबसे कम था, इसकी एवरेज परफॉर्मेंस थी वो भी सारे फोन से सबसे ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात कि स्क्रीन ब्राइटनेस पे बिल्कुल फर्क नहीं इसने पड़ने दिया है। अब एक चीज काफी लोग हमें बोलते हैं कि आप एक के बाद एक सारे बेंचमार्क्स कर देते हो, थोड़ा ठंडा करो फिर नेक्स्ट किया करो। तो देखो वही तो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लगातार पुश कर रहे हो, अगर आप 1-1.5 घंटे लगातार मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कौन सा फोन अच्छा करेगा। क्योंकि देखो ठंडा करके फिर चलाएंगे, फिर ठंडा करेंगे फिर चलाएंगे, फिर तो सारे ही फोन्स ठीक ठाक कर देंगे। खैर एक फाइनल चीज जिससे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है वो है स्टोरेज स्पीड, उसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फास्टेस्ट स्टोरेज भी iQOO 9 Pro की है। पता नहीं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इसको क्या हो गया था, लगता है डर लग गया इसको या तबियत खराब हो गई टाइप्स। बट यहाँ पे फास्टेस्ट अपना iQOO 9 Pro है और स्लोएस्ट है S22 है बेचारा छोटू सा। सब में UFS 3 स्टोरेज है जैसा कि आप देख सकते हो, बट सबसे तेज तर्रार अपना iQOO 9 ही है। 3R के मार्क पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और फोन्स की बैटरी देखोगे तो सबसे कम अपने S22 में है 44%। अब चलते हैं हम लोग गेमिंग की तरफ। तो यार अच्छी बात ये थी कि किसी भी फोन ने यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस को नहीं गिराया। हालांकि iQOO 9 Pro की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो हल्की सी कम नजर आती है, बट ओवरऑल किसी भी फोन ने अपनी ब्राइटनेस को डिम नहीं होने दिया। और अगर एक बारी टेम्परेचर की मैं पहले बात कर लेता हूँ तो रूम टेम्परेचर हो रहा है अभी अराउंड 26 to 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो रहा है, और अपना जो वन प्लस है वो हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस, जो अपना S22 है वो 40 डिग्री सेल्सियस और GT2 Pro 42 डिग्री सेल्सियस और अपना iQOO 9 Pro 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये दोनों काफ़ी आसपास ही हैं
41, 42, बट अगर इन हैंड फील की बात करूँ तो एक बारी मैं पकड़ के भी देख लेता हूँ तो बैक तो काफ़ी गर्म हो रखी है अपने वन प्लस की, अभी इसको अभी के लिए नीचे रख देते हैं। और ओ भाई अगर मैं बात करूँ S22 की, तो जो इसके फ्रेम्स हैं ना यहाँ पे वो एल्युमिनियम के बने हुए हैं की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को गर्म लग रहे हैं और पीछे से पकड़ने में भी डिवाइस काफ़ी गर्म लग रहा है मेरे को। GT2 Pro को एक फ़ायदा इसकी जो ग्रिल से ये तो गर्म हो ही रखी हैं कुछ भी बोलो, बट जो इसका बैक है ना वो ये पेपर बैक मटेरियल होने की वजह से कंपैरेटिवली दोनों फ़ोन से थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और iQOO 9 Pro की बात करें तो यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर की साइड पे तो इतना कुछ है नहीं, पीछे की साइड पे भी ठीक ठाक ही गर्म है। जो पीछे का पोर्शन है वो सबसे ठंडा GT2 Pro का था, बट साइड में ये भी गर्म हो जाता है। एंड ऑफकोर्स 8th Gen 1 पे बेस्ड है सभी, तो भाई हीटिंग तो बनती ही है सब में भर भर के। अब एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं इनकी BGMI का सीन भी कि BGMI भाई कितने पे खिलाएंगे हमको। तो ये भाई स्नैपड्रैगन 8th Gen 1 है, तो सारे ही फोन्स पे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पे HDR एक्सट्रीम आप खेल सकते हो, अल्ट्रा HD पे भी आप खेल सकते हो। तो ये तो थी सारी BGMI की सेटिंग्स। एक बार जल्दी से कॉल ऑफ ड्यूटी की भी सेटिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि भाई मैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ और एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट भी हम लोग ला सकते हैं अगर आप चाहो सब लोग तो, क्योंकि ऋतिक पूरे दिन भर गेम्स खेलते रहता है और खासकर कॉल ऑफ ड्यूटी, वो तो भाई कभी भी खिलवा लो उसको। कॉल ऑफ ड्यूटी के बैटल रॉयल में अपना ऋतिक पीरो है, पीरो। तो सारे ही फोन्स यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन फोन्स है, फ्लैगशिप फोन्स है, 8th Gen 1 फोन्स है, तो इनमें मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो चाहे BGMI हो, बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स देखना तो बनता ही है। बैटरी आप लोग देख ही सकते हो सबसे कम है S22 में, 22% रह गई है। GT2 Pro है और iQOO 9 Pro है, दोनों में बड़ी आसपास ही है बैटरी। अब सीधे चलते हैं अपन लोग कैमरा टेस्टिंग की तरफ। रियर कैमरा की वीडियो में अगर आप देखो तो सब में 8K तक का ऑप्शन अवेलेबल है, 8K 24fps, 8K 30fps यहाँ पे अपना iQOO सपोर्ट कर लेता है, पर अपन लोग 4K 60fps पे शूट करने वाले, क्योंकि मोस्टली जो हम कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं या फिर शूट करते हैं वो यूजुअली हम लोग अभी YouTube के लिए 4K 60fps पे ही करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो OnePlus में एक वार्निंग आई है, रिड्यूसिंग स्क्रीन ब्राइटनेस टू एक्सटेंड द रिकॉर्डिंग। अगर आप कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो देखोगे OnePlus की, तो ये आउटडोर्स में तो डेफिनेटली इतना ज्यादा, डेफिनेटली नहीं, इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि इसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती है। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी तो कैमरा कंपैरिजन चेकआउट करना OnePlus 10 Pro का और S22 का। degree रूम टेम्परेचर अपना OnePlus 46.3 के अराउंड, 40 के अराउंड है S22, 46.3 GT2 Pro और ये 45.5। और एक बारी हल्का सा फ्रेम्स वगैरह भी छू के देख लेते हैं कि अगर मान लो ऐसे करके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो भाई OnePlus काफ़ी गर्म हो चुका है, स्पेशली ऊपर कैमरा मॉड्यूल के साइड से यहाँ पे काफ़ी गर्म हो गया है ये। भाई S22 कंपैरेटिवली ठंडा लग रहा है बाकी फ़ोन से, ऑल्दो जो इसके ये रेल्स हैं वो हल्के से गर्म हो गए हैं। और इसकी बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है इसके इसके पॉलीमर बैक के ऊपर, बट जो मेटल रेल्स इसके भी हैं ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। भाई इसकी बात करें तो भाई इसका बैक भी ठीक ठाक गर्म लग रहा है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है। पता 30 मिनट्स बीत चुके हैं, आप लोग बैटरी परसेंटेजेस देख ही सकते हो हमारे सोशल मीडिया राउंड से पहले ही, ऐसा लगता है डेड हो जाएगा अपना S22। चलते हैं सोशल मीडिया राउंड में, और अगर आप लोगों ने माई स्मार्ट प्राइस को अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई देर किस बात की, सारे अकाउंट से फॉलो कर दो।
6.5 घंटा मार्क होते होते तीन फोन हमारे ऑलरेडी डेड हो गए थे। OnePlus 10 Pro में भी 2% बैटरी बची थी। कुछ ही मिनट बाद इसने भी अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। सीधा लेके चलता हूँ आपको बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स पे। यहाँ पे साफ बात है भाई, गैलेक्सी S22 में सबसे खराब बैटरी लाइफ आपको मिली है। बैटरी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटी है और ये अकेला फोन है जो मतलब 5 घंटे भी नहीं टिक पाया इस टेस्ट में। रियल लाइफ में भी आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक दिन पूरा तो बहुत आसानी से नहीं खिंचेगा। अगर आप लाइट यूजर हो तो शायद चल भी जाए 7-8 लोगों को मुझे लगता है, लेकिन शाम तक बैटरी एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी इस फोन से। बाकी तीनों फोन ऑलमोस्ट साथ साथ के सही थे, 6.5 घंटे के आसपास तक चले हैं सारे फोन। 6.5 घंटे इस टेस्ट में आप मान सकते हो, एक दिन ज्यादातर लोगों का इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन किसी भी फोन में बहुत अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा। खैर ये तो हमें पता ही है भाई, फ्लैगशिप्स का यही हाल चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी एवरेज बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh ये हर मिनट ड्रेन कर रहे थे ऑन एवरेज। तो आप देखोगे काफी आसपास का सा मामला है, ऐसा नहीं है कि किसी फोन ने बहुत तेज बैटरी लूज करी या बहुत धीरे बैटरी लूज करी, वो बस बैटरी साइज की वजह से आया है जो फर्क आया है। अलग अलग राउंड की परफॉर्मेंस पे अगर आप नजर डालें तो आप देखोगे गैलेक्सी S22 ने यूट्यूब राउंड में बहुत तेज बैटरी लूज करी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने इसमें ना हैवी चीजें करनी शुरू करी, बेंचमार्क, गेमिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, उस टाइम इसने अपने आप को थोड़ा थ्रॉटल कर लिया था, थोड़ा पीछे खींच ली थी परफॉर्मेंस। तो आप देखोगे ग्रीन 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 में था ये, मतलब सबसे कम बैटरी लूज करी है इसने सारे हैवी टास्क में। इसका एग्जैक्ट उल्टा था रियलमी GT Pro में, जिसने मतलब यूट्यूब राउंड में, सोशल राउंड में ज्यादा तेज नहीं बैटरी लूज करी, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस इससे निकलवा रहे थे तो तीनों राउंड में इसने बीच के खूब तेज बैटरी लूज करी है, क्योंकि यही अकेला फोन था जो ना अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर रहा था ना अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा थ्रॉटल कर रहा था। iQOO 9 Pro भी काफी स्ट्रगल कर रहा था परफॉर्मेंस राउंड में, स्क्रीन ब्राइटनेस भी उसने डिप करके रखी हुई थी और परफॉर्मेंस भी थ्रॉटल होने लगी थी, तब भी वो बैटरी अच्छी खासी लूज कर रहा था। OnePlus 10 Pro ने फिर भी थोड़ा बेटर किया, मतलब थ्रॉटल करी उसने परफॉर्मेंस, लेकिन उसके चक्कर में बैटरी थोड़ी उसने कम लूज करी उन राउंड में। खैर ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एक फोन चुनना हो तो मेरे हिसाब से रियलमी GT 2 Pro यहाँ पे सबसे बैलेंस्ड लगा मुझे। गैलेक्सी S22 वही बात है, देखो सैमसंग अपना गेमिंग या हैवी परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता है फोन्स को, तो अगर आप लंबे सेशन करोगे गेमिंग के तो पक्का वहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप स्टटर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 हमें पता ही है भैया, हीटिंग वगैरह तो सारे फोन में है ही और बैटरी लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो इन फ्लैगशिप्स के लिए और ज्यादा जरूरी है सुपर फास्ट चार्जिंग का होना। इसका मतलब चलते हैं चार्जिंग टेस्ट पे। तो यहाँ पे भाई OnePlus 10 Pro में हमें ब्रांड न्यू 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है, रियलमी GT 2 Pro पे वही 65 वॉट चार्जिंग हमें मिलती है। iQOO 9 Pro 120 वॉट चार्जर के साथ आता है और गैलेक्सी S22 में तो कोई चार्जर आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चार्ज करेंगे OnePlus के नॉर्मल 65 वॉट चार्जर से, जिससे हम चेक कर चुके हैं कि 25 वॉट वाली चार्जिंग स्पीड से चार्ज हो सकता है, जो कि मैक्सिमम स्पीड है वैसे भी Galaxy S22 के लिए। तो सारे फोन्स हमने चार्जिंग पे लगा दिए हैं, अपना टाइमर भी बिल्कुल रेडी है और बिना किसी देरी के करते हैं हम चार्जिंग टेस्ट शुरू। दस मिनट के मार्क पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे iQOO 52% चार्ज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। फिर आता है अपना OnePlus 10 Pro जो 39% चार्ज हुआ है, और फिर आता है Realme 36% पे, एंड लास्ट में Samsung 19% पे। अब जो iQOO 9 Pro है ना, उसके चार्जर में से पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसे चुर करके आवाज़ आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना फास्ट चार्जिंग कर रहा है इसलिए आ रही है कि नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा अनसेफ फील हो रहा है। तो भाई 15 मिनट हो चुके हैं अपने, और यहाँ पे जो अपना iQOO 9 Pro है उसने कम से कम 7-8% की लीड बना के रख रखे दोनों GT 2 Pro और अपने OnePlus 10 Pro से। भाई 30 मिनट हो चुके हैं क्लॉक पे और हमारा iQOO 9 Pro लिटरली 99% पहुंच गया है, 100% बोलते बोलते ये 100% हो गया है। OnePlus 10 Pro और GT 2 Pro मतलब तगड़ी फाइट मार रहे हैं, एक 89% पे है और एक 86% पे है। तो अराउंड 35 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार चार्जिंग चेक कर लेते हैं। 97% Realme हो चुका है अपना यहाँ पे और OnePlus हो चुका है 95%, काफी क्लोज हैं दोनों ही फोन्स। और ये 100% हो चुका है हमारा, और भाई 40 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे क्लॉक पे,
और यहाँ पे अपना OnePlus 10 Pro भी हो चुका है फुली चार्ज। और फाइनली गैलेक्सी S22 भी फुल चार्ज हो गया है, तो ऑब्वियसली चार्जिंग स्पीड में भी ये सबसे ज़्यादा पीछे था। बाकी तीनों फोन्स मतलब ऑलमोस्ट साथ साथ कैसे ही चार्ज हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज मैं नहीं बोलूँगा। 30-35 मिनट 40 मिनट में चार्ज हो रहे हैं, जो कि अच्छी खासी चार्जिंग स्पीड्स हैं, लेकिन वो जो है जो एडवर्टाइज स्पीड्स हैं कि भाई 20 मिनट में चार्ज होगा iQOO 9 Pro, वो तभी होगा अगर आप बिल्कुल मतलब फ़ोन को छूओगे नहीं, स्क्रीन बंद रहेगी और गर्मी कितनी है रूम में, उस सब का भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। 30 मिनट भी वैसे बुरा टाइम नहीं है। OnePlus 10 Pro यार 80 वॉट कर दिया है, जबकि 65 वॉट से भी इतने में ही चार्ज होता था, आज भी इसने 40 मिनट टाइप ले लिया है। पर हाँ एक चीज़ है कि ये जो नई चार्जिंग स्पीड्स हैं 80 वॉट 120 वॉट, इनका फ़र्क आपको दिखता है शुरू के 5-10 मिनट में बहुत सही। मतलब iQOO 9 Pro पहले 2-4 मिनट में ही 20% टच हो चुका था, और OnePlus 10 Pro भी पहले 5-7 मिनट में 20-25% के आसपास था। ये चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी काम आ सकती है जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, फोन एकदम बंद हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, फट से 5-10 मिनट चार्जिंग पे लगाओ और थोड़ी तो बैटरी लाइफ वहाँ पे मिल जाएगी। खैर इससे बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। तो OnePlus 10 Pro ने यार बैटरी लाइफ यहाँ पे सबसे अच्छी दे दी, बाकी चार्जिंग स्पीड भी इसमें अच्छी खासा तेज़ है, और जनरली परफॉर्मेंस वगैरह में भी सही था, ऐसा कुछ बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। बस वही चीज़ है, यहाँ पे कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है कि अगर आपको बेस्ट गेमिंग चाहिए तो आप इसे ले लो, या अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप इसे ले लो। हर चीज़ का थोड़ा बहुत यहाँ पे है, कैमराज भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ऑक्सीजन ओएस जिसकी सब तारीफ करते हैं। लेकिन वो जो एक फीलिंग होती थी पहले के OnePlus फ्लैगशिप्स में कि आपको बेस्ट प्राइस पे एकदम अनमैच्ड परफॉर्मेंस या बेस्ट स्पेक्स मिल रहे होते थे, वो चीज़ अब गायब हो गई है यहाँ से। इनफैक्ट Xiaomi 12 Pro अभी लॉन्च हुआ है जो हम यहाँ पे आज इंक्लूड नहीं कर पाए, उसमें भी इससे थोड़े कम प्राइस में आपको मतलब बेटर ही हैं स्पेक्स, या फिर आप सेम लेवल का तो मान ही सकते हो। ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कैजुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए, और जिनको ऑक्सीजन ओएस से प्यार है, जो ऑलरेडी OnePlus का फ़ोन यूज़ करते हैं, वो लोग डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। गैलेक्सी S22 यार देखो बैटरी लाइफ में तो बहुत अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली छोटा फ़ोन भी है, अगर आपको बैटरी लाइफ बेटर चाहिए तो आपको S22 प्लस लेना पड़ेगा एटलीस्ट। बाकी चार्जिंग भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो है, और परफॉर्मेंस में भी गेमिंग या हैवी परफॉर्मेंस के लिए ये नहीं बना है। लेकिन इसकी अपनी कुछ बेनिफिट्स हैं जो बाकी किसी फ़ोन में नहीं है, जैसे अकेला फ़ोन है जो वाटर प्रूफ है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे है, कैमराज में जो कंसिस्टेंसी होती है अलग अलग लेंसेज के बीच में, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है सैमसंग का वो 4 साल का है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों की वैल्यू है कि अगर आपको लंबा चलाना है फ़ोन, आपको भरोसेमंद फ़ोन चाहिए, बाकी इसका साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब बाकी सारे फ़ोन इतने बड़े लगने लगे हैं आजकल, ये वाले फ़ोन कुछ फ़ोन ऐसे रह गए हैं जो हाथ में पकड़ के ऐसे लगता है कि भाई इसको तो हमेशा पकड़े रह सकते हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि वही मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जितना पावरफुल प्रोसेसर आपने डाला है तो बहुत छोटी बैटरी डाल दी है उसके हिसाब से, 4000-4500 mAh की तो होनी चाहिए थी यार, 5.5-6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम तो मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए यार किसी भी महंगे फ़ोन से। इस फ़ोन के साथ आपको थोड़ी सी टेंशन रहेगी हमेशा बैटरी की। Realme GT 2 Pro सबसे सस्ता फ़ोन है यहाँ पे, और सरप्राइजिंगली परफॉर्मेंस के मामले में प्योरली ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा हमें आज। ना इसने थ्रॉटलिंग करी बहुत ज़्यादा, स्क्रीन ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली इसने मेंटेन करके रखी थी, और हीटिंग वगैरह भी इसके जो बैक है थोड़ी कम फील होती है उससे, ऑब्वियसली अंदर तो हीटिंग होती है लेकिन बाहर उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है बैक पे। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो एंड्रॉयड में सबसे सही प्राइस पे, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बाकी कैमराज वगैरह भी यहाँ पे अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, मतलब सॉफ्टवेयर आपको उतना रिफाइंड शायद नहीं मिलेगा, कैमरा परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। और देखो प्रैक्टिकली बताऊँ तो अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हो तो फिर आप स्नैपड्रैगन 888 वाला फ़ोन भी ले सकते हो। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से रियल लाइफ में ऐसे कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़े पैसे बचा के आप 888 वाले फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। iQOO 9 Pro iQOO का सबसे महंगा फ़ोन अभी तक का, डिज़ाइन वगैरह इसका बहुत अच्छा है, बाकी देखो स्पेक्स तो यहाँ पे सारे अच्छे हैं ही, दिखने में शायद ही मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फ़ोन है इन सारे फ़ोन में से। बाकी इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसके कैमराज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो पोर्ट्रेट मोड फीचर्स हैं और जो बाकी इतनी अलग अलग लेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जो भी अभी तक टेस्ट किए गए हैं सब में इसको काफ़ी अच्छा बोला गया है। लेकिन सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस के मामले में उतना मतलब अच्छा नहीं बोलूँगा मैं इसे, वही क्योंकि यार 8 Gen 1 की दिक्कतें तो है ही, तो सारी ब्रांड्स ने अलग अलग ऑप्टिमाइज़ किया है। iQOO ने इसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया है कि भैया स्क्रीन ब्राइटनेस फट से डिप कर देता है, थ्रॉटल कर देता है परफॉर्मेंस थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेमिंग के लिए ख़राब है, गेमिंग आप बढ़िया कर सकते हो यहाँ पे, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही चीज़ है जो आपको वैसे भी सारे फ्लैगशिप्स में याद रखनी है कि भैया गर्म होगा थोड़ा और बैटरी ड्रेन काफ़ी तेज़ हो जाएगा, और अल्टीमेटली अच्छा फ़ोन था ये। लेकिन वही बात है, Xiaomi 12 Pro लॉन्च हुआ है जिसने इसके प्राइस को भी थोड़ा सा अंडरकट कर दिया है, इससे भी 2000 सस्ता है वो फ़ोन।
तो वो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रहा है, मुझे लगता है काफी लोग के लिए वो एक अच्छी चॉइस बन सकता है। अभी खैर इस टेस्ट के लिए तो इतना ही, इन चारों फोन में से तो परफॉर्मेंस के मामले में चूज करना हो तो भैया Realme GT 2 Pro है, वो चार्जिंग सबसे तेज iQOO 9 Pro ने करी है, बैटरी लाइफ के मामले में ऐसा कोई क्लियर विनर नहीं था, S22 सबसे खराब किया, बाकी तीनों फोन ने लगभग बराबर सही किया। खैर आप बताओ कैसे लगी आपको इन चारों फोन की परफॉर्मेंस, कुछ शॉकिंग था या यही एक्सपेक्टेशन थी इनसे, क्या लग रहा है अगर आपको इस साल एक फ्लैगशिप खरीद रहा है कोई एंड्रॉइड का, इन चारों में से कोई खरीदना चाहिए या फिर Xiaomi 12 Pro या कोई और ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।